अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया में आया कि बीबीसी का एक इंटरव्यू, एक प्रोग्राम है जो गुजरात के फसादात के ऊपर बीबीसी ने, वो उनका इंटरव्यू है उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री वजीर आला जो अब देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत इंडिया में, भारत में यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया, इसको बैन लगा दिया। चलिए अब हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से, सैटर्न से आया था, कोई प्लैनेट से आया होगा, क्या हम, आप नहीं थे, आके मार के चला गया। बिलखिजवानों का रेप आपकी सरकार नहीं थी, कोई और था। और फिर वहां पर वो जो कांग्रेस के एक्स एमपी हैं राज्यसभा के, जिनकी जिस्म के 6 टुकड़े करके उनको जला दिया गया, जिसके पास कांग्रेस का एक नेता जाकर नहीं मिला, उनको भी नहीं मारे, वो आसमान से लोग आए थे, आके स्पेसशिप में बैठ के रॉकेट में चले गए। आपकी जुम्मे, आप नहीं थे, आप थे ही नहीं, मरने वाले जो भी थे उनमें से स्पेस से आए, उतरे, ठक 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 काम करे, बैठे, निकल गए, आप नहीं थे, चलिए मान लिया आप नहीं थे। और आपने, बीजेपी ने उसका वो प्रोग्राम को बैन कर दिया, बैन करा ना, पढ़े ना न्यूज, आप लोग पढ़ते ना, बीबीसी का बोले नहीं नहीं दिखाना, नरेंद्र मोदी के बारे में दिखा रहे आप, गलत है, हम इजाजत नहीं देंगे, हम उसको बैन लगा दिए। मैं वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं और बीजेपी के नेताओं से पूछना चाह रहा हूं, चलिए गुजरात में आपने बीबीसी का इंटरव्यू बंद कर दिया, महात्मा गांधी के खातिल गोडसे के बारे में नरेंद्र मोदी की राय क्या है, गोडसे के बारे में क्या राय है बताइए हमको, खातिल है ना गांधी का, मानते ना आप लोग, आप भी इतना डाउट में आ गए, मानते ना, उन्होंने गांधी को गोली मारे, कब मारे, 30 जनवरी को, अब आ रही 30 जनवरी, वो कांग्रेस के नेता बोले 26 जनवरी को मार दिए, कहते क्या बात है प्यारे, हम समझ रहे थे किसी और के कान में फूल है, नहीं मालूम, उन्होंने भी बोले मैं पढ़ा 26, ठीक है हो पढ़े होंगे क्या मालूम, बहरहाल 30 जनवरी को गोडसे ने गांधी का कत्ल किया, किया ना, तो भारत का सबसे पहला टेररिस्ट कौन हुआ, आजाद हिंदुस्तान का सबसे टेररिस्ट कौन है, तो गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। अब गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, क्या भारत के प्रधानमंत्री गांधी के कातिल की पिक्चर को बैन करेंगे या जनता को बोलेंगे जाके देखो, पिक्चर बन रही गोडसे के ऊपर, नाथूराम गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही है, और उसमें ये मैं खुद देखा हूं आने से पहले, उन्होंने बोल रहे कि गोडसे गांधी को क्यों मारा, तो भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम और बीजेपी से हम पूछ रहे हैं कि आपके बारे में बीबीसी को दिखाया तो बड़ी तकलीफ लगी, मिर्ची लगी, बैन, और गांधी को मारने वाले का पिक्चर भारत में रिलीज होगा या बैन होगा, हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से। आप तो बोलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे नहीं मालूम ना, टैक्स भी माफ हो जाए। अच्छा आप मैटनी शो देखने के कायल नजर आ रहे मेरे को। बहरहाल पिक्चर के ऊपर बैन करेंगी नहीं करेंगी, हम बीजेपी से चैलेंज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप गोडसे के पिक्चर पर बंद कराओ, चलो नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से बड़े नहीं है, कोई बड़ा नहीं हो सकता, गांधी अंबेडकर से कोई बड़ा नहीं हो सकता। जब गांधी को मारने वाले का पिक्चर बन रहा है तो बीजेपी बैन लगाओ ना,